हे गाइस, हुक्का बनाने के लिए सबसे पहले आप कोल को चढ़ा लें, क्योंकि मैं इसमें कोकोनट कोल जनरली यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैजिक कोल बहुत जल्दी जल जाती है। तो इस तरह से आप हुक्का बनाने के लिए सबसे पहले आप पानी का जो लेवल है बहुत परफेक्ट होना चाहिए। इसमें आप बस इतना ही पानी लें ताकि आपकी हुक्का की जो नोज़ल है वो इसमें डूब जाए। बस इतना ही पानी आपको डालना है, इसको फुल नहीं करना है, अदरवाइज में स्मोक का स्पेस नहीं बचेगा। तो इस तरह से आपको पानी डाल के इसको फिट कर देना है। अभी परफेक्टली फिट हो गया है इस तरह से, अब इसकी नोज़ल कनेक्ट हो गई है। अभी हुक्का ट्रे है, एस्ट्रे को इससे कनेक्ट कर देते हैं। एस्ट्रे से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से इसको अच्छे तरह से कनेक्ट कर देना है। मेक श्योर कि यहाँ पे ये हिले नहीं, इसको टाइट कर देते हैं। अब यहाँ पे हम फ्लेवर लेते हैं, और फ्लेवर आपको कम नहीं लेना है, फ्लेवर आपको अच्छी क्वांटिटी में लेना है। और फ्लेवर को जब डालोगे तो आपको फ्लेवर को थोड़ा सा मैश करना है, ताकि फ्लेवर ऐसा चिपका ना रहे, और अच्छे से जब आप हुक्का चार्ज करें तो फ्लेवर अच्छे से जले। तो मैं फ्लेवर लेके इसको अच्छी क्वांटिटी में फ्लेवर आपको उसमें डालना है। हुक्का बॉल आप अच्छा होना चाहिए, तभी आपका हुक्का स्मोक है जो अच्छा बन पाएगा। कोकोनट कोल मैंने हुक्का बनाने से पहले इसलिए चढ़ा दी थी क्योंकि उसमें टाइम लगता है। मैं यूजुअली कोकोनट कोल ही यूज़ करता हूँ, क्योंकि मैजिक कोल बहुत जल्दी जल जाते हैं, उसको बार बार उसकी गैस साफ़ करनी पड़ती है। तो मैं कोकोनट कोल प्रेफर करता हूँ, बहुत अच्छी कोल है और इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी होती है। तो इस तरह से देखिए, मैंने इसमें फ्लेवर डाल दिया है, और अब मैं इसके ऊपर इसको अच्छे से मैश कर देना है ताकि ये ठीक से जले। अब इसको आपको यहाँ से वॉलपेपर यहाँ से निकालना है। अगर आप चाहें तो जो नॉर्मल वॉलपेपर वो भी यूज़ कर सकते हैं, जनरली हुक्के के साथ मिलता है, तो हुक्के वाला वॉलपेपर मैं यूज़ करता हूँ। और इस वॉलपेपर को आपको इससे अच्छे से टाइट से आपको इसके जो बोल है उसके ऊपर आपको लगाना है। ये आपको चारों तरफ से काफ़ी टाइट होना चाहिए, क्योंकि लूज़ नहीं होना चाहिए। ये देखिए, इस तरह से आपको चारों तरफ से इसको टाइट करना है, और एकदम टाइट से आपको इसको फिट कर देना है ताकि अच्छे से हुक्का बॉल में फिट हो सके। और साइड से इसमें भी कहीं से भी हवा के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए। आपको उसको अच्छे से हुक्का बॉल के साथ इसको अटैच कर देना है। अब इस तरह से पूरा ही अटैच हो गया है, अच्छे से अटैच हो गया। अब इसमें हम होल करते हैं। अब आपको एक बहुत सी पतली पिन लेके इसमें छोटे छोटे होल करने हैं। होल आप मेक श्योर कि बहुत छोटे हों, बहुत बड़े होल नहीं होने चाहिए। अगर बड़े होल होते हैं तो इसमें ऐश जाती है और वो मुँह में आती है। तो बहुत छोटे छोटे होल होने चाहिए, ये बहुत आपको केयरफुली करना पड़ता है। देखिए मैं कर रहा हूँ इसे ऐसे धीरे 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 धीरे, आपको पूरे पेपर पे आपको छोटे छोटे होल करने होते हैं। अब देखिए, होल बहुत बड़े नहीं होने चाहिए और एकदम छोटे होल भी नहीं होने चाहिए, ताकि सक करने में भी आसानी रहे और हीट भी अंदर जा पाए। अभी होल तैयार हो गया, अब मैं इसे ट्रे में कनेक्ट कर देता हूँ। अब ये ट्रे में कनेक्ट कर दिया है इस तरह से। अभी यहाँ तक आधा हुक्का हमारा प्रिपेयर हो गया है। अब देखिए, अब यहाँ से होस पाइप इससे कनेक्ट करते हैं। ये होस पाइप मैंने लिए आइस कोल्ड जो स्मोक के लिए होता है। ये होस पाइप में दो कैप्सूल्स मिलते हैं, ये सिलिकन कैप्सूल्स होते हैं। हुक्का बनाने से पहले आपको सिलिकन कैप्सूल को कम से कम एक घंटे के लिए फ्रीज़र में, डीप फ्रीज में रखना पड़ता है, ताकि ये चिल्ड स्मोक पास कर सके। ये होस पाइप 72 सेंटीमीटर की होती है, काफ़ी अच्छी होस पाइप है, लेदर पाइप होती है। तो देखिए इसको कैसे अटैच करते हैं। यहाँ से इसको इस तरह से ट्विस्ट करके ये खुल जाएगा, और इसके अंदर आपको कैप्सूल फिट करनी होती है। ये खुल गया, अब इसमें हम कैप्सूल डालेंगे। ये होस पाइप काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि इससे एकदम चिल्ड स्मोक पास होती है। इस तरह से आपको एक कैप्सूल उठा के इसके अंदर डाल देनी थी, क्योंकि दो कैप्सूल दी होती है। एक कैप्सूल जब आप यूज़ कर रहे हो, दूसरी कैप्सूल को आप ठंडा कर सकते हो फ्रीज में। इस तरह से कैप्सूल डालने के बाद इसको वापस से बंद कर देंगे, अच्छी तरह से इसको बंद करेंगे। अब आपका होस पाइप रेडी है। अब होस पाइप को हम हुक्के के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ये होस पाइप आपका रेडी है, यहाँ से आप इसको स्मोक के लिए रेडी है। अब इसको हमें हुक्का से कनेक्ट कर देना है। इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब आप इसमें दो कोल मिनिमम यहाँ पर चढ़ा सकते हैं। अब इस तरह से आप हुक्के को चार्ज करना होता है। चाहे तो आप हुक्के को सब तरह चारों तरफ से फॉइल पेपर से कवर करके ऊपर से भी उसमें एक फॉइल पेपर डाल सकते हैं, ताकि आपको हुक्का जल्दी चार्ज हो जाए। अगर आप फॉइल पेपर नहीं डालते तो हुक्का को चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगता है। ये देखिए, अब मैंने डाला नहीं है, तो हुक्के को चार्ज होने में टाइम लग रहा है। अगर मैं फॉइल पेपर पूरा एक साथ डाल देता हूँ तो ये देखिए, इस तरह से आपका स्मोक पास होगा। अभी फाइनली आपका हुक्का रेडी हो गया है, और ये देखिए अब आपका फाइनल स्मोक इस तरह से आपका पास होगा।
तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।